वेरी गुड मॉर्निंग. सुबह का टाइम है, अराउंड 9:30-9:45 का टाइम है. मैं कर रही हूँ गाड़ी साफ. मुझे ना सबसे पहले जो शुरुआत करती हूँ, पहले मैं अपने कपड़ों की सेटिंग करी, सारी टच में कपड़े पर डाले, और जो सामान हमारा बाहर पड़ा है ना उसमें पानी घुस गया है पूरा. मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया हुआ, तो थोड़ा उसको भी सेट करना है. पहले मैंने गाड़ी साफ़ करने को लगाई है, बस थोड़ी सी गाड़ी आई. अंदर से मैंने पूरी साफ़ कर दी वैक्यूम क्लीनर के साथ, मैट वैट बाहर रख दी, बस बाहर से थोड़ी रह गई. यहाँ पे बहुत अच्छी बात ये है कि यहाँ पे वैक्यूम क्लीनर है, तो उससे गाड़ी साफ ना आराम से रहती है. नहीं तो कानपुर में हमारे पास वैक्यूम क्लीनर नहीं था. ये थोड़ी सी रह गई, बस ये थोड़ी 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 रह गई. और सिद्धार्थ कर रहा है नई नई. ये एक ना पुरानी टी शर्ट है, उसको मैं ऐसे क्लीनिंग के लिए यूज़ कर लेती हूँ. एक ड्राई है, एक मैंने वेट करके रखी हुई है. उतनी अच्छे से भी नहीं करनी, बस ये है कि हो जाए, अंदर से साफ हो जाए. बाहर से तो फिर अभी साफ करेंगे, फिर कोई तोड़ी वोड़ी उड़ाएगा तो फिर होता है कि अंदर से थोड़ी साफ हो जाए तो सही रहता है. इस तरह से ना ऐसे पड़ जाता है ये. अब इसको एक बार ड्राई उससे साफ करना पड़ेगा, फिर पूरी साफ हो जाएगी ऐसे. यार ये निशान नहीं साफ हो रहा, चाय का निशान था वो. कैसे जो मेन है ना वो मैंने साफ कर दी. जैसे ये चीज़ है छोटी छोटी, मैं बहुत अच्छे से साफ करती हूँ. भी क्या होता है ना, जैसे हम सब मिल के फिर ट्रैवल करते तो फिर वही हाल हो जाता है गाड़ी का. तो मेरे को होता है कि नहीं साफ रहे. कानपुर में भी मैं करती हूँ, यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगता है वैक्यूम क्लीनर. अगर वैक्यूम क्लीनर ना हो ना तो पूरा 3 घंटा लगता है गाड़ी साफ करने के लिए. बट जब भैया जाते थे क्लीनिंग के लिए, उनके भी पैसे देने थे. उनका एक दिन फ़ोन आया था, मैं वहाँ फ़ोन कर दी, मैंने कहा भैया आपके पैसे रह गए हैं कानपुर से थे, तो फिर मैंने उनके पैसे उनको ट्रांसफर किए. भैया साथ में होते थे ना तब तो 1 घंटे में, आधे घंटे में मैं करती थी, एंड वो मैं फटाफट अंदर से जो मुझे लगता था वो बाहर से फटाफट साफ कर देते थे. मैं ना कोई भी, चाहे मेरे हेल्पर है चाहे कोई गाड़ी साफ करने वाले, कोई भी जैसे हम रखते हैं ना क्लीनिंग के लिए, तो मैं उनके साथ खुद लग के ना खुद से चीज़ें करती हूँ. छोटी छोटी चीज़ें ये रह जाती है, तो मेरे को इनको करना होता. भारत के बोलते क्या क्यों करना है, फिर से गंदी होनी है. क्योंकि नहीं यार मुझे साफ चाहिए ऐसे. अब मैं इसमें करूँगी अपना सामान लोड. झाड़ू पोछा भी लग गया, हमारा सफाई हो गया, बस खाने का थोड़ा सा काम पेंडिंग है. और मैं सोच रही थी ना ये वाला मैट धुल के रखूँ, बट यार पता नहीं ये धुलते हैं फिर गंदा हो जाता है. मम्मी के मैंने ये कपड़े हाथ से धुल के यहाँ पे सूखने के लिए डाल दिए. आज देखो बादल ऐसे, आसमान कितना वो लग रहा है ना, सुंदर सा प्यारा सा. इसमें डालना था पानी, और ये हमारी गाड़ी है, इसकी सर्विस भी होनी है अभी, क्योंकि कानपुर में हमने कभी भी इसकी सर्विस नहीं कराई. जब भी कराई या फिर इधर हिमाचल में कराई, एक बार शिमला में कराई थी, एंड बाकी सारी सर्विसेज की मोहाली में हुई है. कुछ हारमोनी होंडा वो जो एलांटे मॉल के पास है वहाँ पर हुई है. मुझे लगा था थोड़ा और पानी डालना पड़ेगा, बट ये हो गया. कौन कौन मेरी तरह गाड़ी को साफ करते हैं मुझे ज़रूर नीचे कमेंट करके बताना. ये सबसे ज़्यादा मैंने ही साफ़ करी होगी, भारत ने करी होगी 2-3 बार मुश्किल से, और मैंने करी होगी शायद 100-200-300 बार, बहुत उससे. क्योंकि जितनी भी बार भैया साफ़ करते हैं ना, जिनको भी हमने रखा होता है गाड़ी वाले क्लीनर भैया, उनके साथ तो उनको तो एक मैं चाय पिलाती हूँ, उनको बड़ा अच्छा लगता है. मैम आप चाय बना दो फिर हम साफ़ करते हैं गाड़ी, तो बड़ा मज़ा आता है. तो मेरे को बड़े याद आते हैं जितने भी हमने मतलब गाड़ी साफ़ करने के लिए भैया थे, तो उनको बड़ा, वो मुझे हमेशा बोलते थे आप ना मैम हमारे बहन की तरह. सो हो गई ये साफ़. पीछे से हम इसकी जो डिक्की है उसको एक बार से चेक कर लेते हैं. ये भी पूरा साफ़ हो गया, बस इसको एक बार टच देना पड़ेगा. और जब ना सर्विस होके आती है ना गाड़ी, तब तो इसको बहुत मस्त सी पॉलिश करी होती है, तो बड़ा मज़ा आ जाता है.
उसके बाद अब मैं बाकी सफाइयाँ करूँगी। ये अटैची हमेशा मेरे बैग में रहते हैं, चाहे मुझे कहीं जाना है या नहीं जाना है। और ये मैंने इस तरह से रख दी, ये एक बैग मैंने खाली रखा, जो भी मेरे कपड़े सूखते हुए मैं इसमें अपने कपड़े डालती रहती हूँ। और ये सूट मम्मी कह रहे मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, चेंज करके लेके आई, साइज़ बड़ा लेके आई। मम्मी कह रहे मैंने पहना ही नहीं ये सूट, मुझे कलर ही अच्छा नहीं लग रहा। मैं मम्मी इतना मस्त कलर है, पता नहीं मम्मी को क्यों अच्छा नहीं लग रहा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मम्मी कह रहे तुम्हारे ऊपर अच्छा लगेगा, मेरे ऊपर अच्छा नहीं लग रहा। तो इसको मुझे चेंज कराना है। वो बैग मैंने पैक करके अपना रखा हुआ, ये इसमें मेरे सारे कपड़े हैं जो कि जब हमें फंक्शन में जाना था मैंने निकाले थे, इसमें मैंने पूरा इसको भर के रख दिया। जितना मर्जी महंगा बैग ले लो, ये जो एयरपोर्ट पे जाते हो ना, ऐसे क्रोच स्क्रैचेस बहुत बहुत इस पर पड़ती है, तो इतना महंगा बैग नहीं लेना चाहिए मुझे ऐसा लगता है। पक्का ठक्का ले लो, बट इतना महंगा लेने की जरूरत है। इसको मैंने नीचे इसका टायर वायर जो है ना वो सब निकाल के इसको पूरा मैंने क्लीन किया, वैक्यूम कर। ये जो होता है ना ये वाली चीज़, ये इसका निशान निकलता नहीं, एक बार ड्राई से साफ करूँगी फिर निकलेगा। मम्मी के कपड़े धुल के जो मम्मी ने पहने थे फंक्शन में, उसको मैंने सूखने के लिए डाल दिया है। ये है मेरे भारत के कपड़े और एक मम्मी का सूट है, उस वाइट कलर का, उस पर ना हल्का सा निशान पड़ा है, तो मैं उसको इसमें डाल के रखूँगी 3 घंटा, तो फिर उसके बाद फिर मैं इसको धुलूँगी। आज मैं सारा साफ़ सफाई वाला काम कर रही हूँ। ये मेरी रज़ाई है जो कि आपको पता है मेरी बहुत फेवरेट है, इसको लेके ही मैं सोती हूँ और इसको हम गाड़ी में लेके आए थे। इस पर भी यार ये निशान लगा है, अभी तो नहीं, इसको जब हम यहाँ से शिफ्ट कर जाएंगे ना, यहाँ पे मेरा पक्का ठिकाना होगा रहने का, वहाँ पे जाके मैं इसको डिप करके रखूँगी। अभी बस मैंने इसको वॉश करके हल्का सा नहीं, 30 मिनट मैंने इसको वॉशिंग के लिए लगाया, बहुत अच्छी खुशबू आए हाय इसमें से आ रही, नहीं तो स्मेल पड़ गई थी जब से आया ना, इसको ही ले रही हूँ ऊपर, फिर वो अजीब सी स्मेल आती है। मैं खा रही हूँ बर्फ़ी और लगाने जा रही हूँ नमकीन चावल को तड़का, निकाल के रखी हुई बर्फी। सोचा आज मैं बिल्कुल मीठा नहीं खाऊंगी, पर मैंने फिर भी खा ली। दो दोनों ऐसे जुड़ गई हैं वैसे। हाँ जी चाची, एक और वॉशिंग मशीन का मैंने लगाया है स्लॉट, चावल को मैंने लगा दिया तड़का, उसके बाद मैं पी रही हूँ पानी। पूरा सेट कर दिया, कितना सुंदर लग रहा है ना एक कलाज। दीपू का, दीपू ने यहाँ पे रखा है, थोड़ी सी मैं इसकी सेटिंग कर दूँ। का सामान है यहाँ पे, मैंने बैग में डाल के इसको रख दिया, मैं अपने अकॉर्डिंग रखा है। चादर मैंने चेंज किया, बटन पता नहीं कहाँ पे है, ये प्रीति दीपू का, ये प्रीति इसकी मैंने कर दी डस्टिंग, वहाँ पे भी मैंने सारी डस्टिंग कर दी। सेटिंग हमारी हो चुकी है, बस अभी मैं चावल खाऊंगी क्योंकि मुझे बहुत तेज भूख लगी। बिंदिया ही नहीं मिल रही थी, बिंदी कहाँ है, कहाँ है, कहाँ रेड बिंदी ना मिले, ये है सारी बिंदिया। रखूँ बाहर निकाल के कि बॉडी लोशन एंड ये है हमारे कैमरे जिनको हम बिल्कुल यूज़ नहीं करते। मेरा तो गुम हो गया है, ये दूसरे मतलब लगता प्रीति का या किसका है। हमारे पास तीनों के पास सेम कैमरे थे, तो जब से मेरा शिमला में गुम हुआ उसके बाद मैं तो फ़ोन से व्लॉगिंग करती हूँ। ये हमारी एल्बम है, ये मम्मी की शादी की एल्बम, ये भारत की बुक है, इनको मैं बाद में अरेंज करूँगी, बस नीचे नीचे ऊपर ऊपर वाला सब। मैं कोई सेटिंग करती हूँ ना, मेरे को होता है कि किसी का सामान इधर उधर ना हो, जब भी मिलती शर्ट के साथ ही मैंने डस्टिंग कर दी। ये पूरा मैंने खाली कर दिया, ये बन गए मेरे चावल और ये रखी हुई चाय, हलवे के साथ चाय। कौन कौन खाता है मुझे जरूर। चाय में पत्ती कम है, मेरे को लग रहा है कि दूध में पत्ती है। मुझे ना एक कोयल की कुकू बहुत अच्छी लगती है, और गाड़ी को ना मैंने ऐसे टेढ़ा करके लगाया हुआ है, और मुझे इधर बैठना बहुत अच्छा लगता है। सिकर दोपहर होता है ना, सिकर दोपहर अभी जो टाइम हो रहा है, ऐसे बैठना मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसमें ना बड़ा वो लगता है, तो कैसे निकलेगा सिकर। मैंने लगाई है चारपाई, इधर मैं बैठी हुई थी सुबह गाड़ी साफ करके, बात कर रही थी मेरी एक फ्रेंड यहां पे ना। मैं तब बैठती थी जब लॉकडाउन का टाइम था एंड जब मैं प्रेग्नेंट थी, ऐसे कुकू करके कॉयल बोलती, तो ये टाइम ना मुझे वो बच्चे वाला टाइम मुझे याद आता है जब मैं यहाँ पे बैठती हूँ एंड मैं वो अपने मोबाइल में सुनती होती थी, कृष्णा मनमोहना मोरे गाना मोरे कृष्णा। कल ना मेरा BPS लग रहा, मुझे लो हो रहा है, जैसे मैं अपने ससुराल गई थी कल शाम को, मैंने बिल्कुल व्लॉग नहीं बनाया। मैं और भारत गए थे मम्मी के पास बैठे, हम 3-4 घंटा बैठे होंगे और रात को हम वापिस आए 10-10:30 बजे। तो ना मेरे को ऐसा लग रहा था मुझे नींद आ रही है, मैं गाड़ी में सो रही, शायद मैंने मीठा बहुत ज़्यादा खा लिया, मैंने अति होती है ना जिसकी, वो मैंने क्रॉस कर दिया। भारत मुझे बोल रहे थे तू कुछ ज़रूर करवाएगी, मगर इतनी घबराहट हो रही थी मीठा, मुझे मीठा खाने के लिए मना करा, खाओ लिमिट में खाओ, मैंने बहुत ज़्यादा खा लिया था उसका। मैं अभी हलवा और चाय भी खा रही हूँ, और मेरा वज़न 1.5-2.5 किलो। वज़न बढ़ने का कोई इशू नहीं है, बट होता कि मेरी हेल्थ के लिए मुझे मना करा हुआ है, तो मैं वो चीज़ ज़्यादा कर रही हूँ। और मेरे को होता है फ्रिज में कोई चीज़ मुझे दिखती है, मेरा मन करता है खा लो खा लो, कोई बात नहीं, खा लो खा लो, वर्कआउट कर लेंगे, वॉक कर लेंगे कहाँ। ऐसे मैंने गाड़ी साफ की, झाड़ू पोछा उधर लगाया, पूरा इधर उधर घूमी, तो मुझे लगता है कि डाइजेस्ट होने की बात नहीं है, बट वो मेरे लिए नुकसान। इधर बैठ के ना उस मोमेंट को याद कर रही थी जब मैं प्रेग्नेंट थी, कितना हसीन लगता था सब कुछ, हमारे साथ मुस्कान भी बैठती होती थी, तो वो भी उस टाइम पे प्रेग्नेंट थी।
तो मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है। मेरी दादी को मेरे जैसी आदत थी, जैसे जैसे करते पहले मेरे को ये नहीं कि पंखा चलाओ एसी चला के सो जाओ, कल तो मेरी तबीयत खराब थी आज मुझे अच्छा लग रहा है, मेरे को तो यार इधर बैठो एंड अच्छा लगता है मुझे दोपहर में बाहर बैठना, पता नहीं क्यों शुरू से नींद नहीं आती मुझे दोपहर में, चाहे मैं चंडीगढ़ में हूँ चाहे मैं कानपुर में हूँ चाहे मैं कहीं भी हूँ, मुझे दोपहर में नींद नहीं आएगी कितना मर्जी मैं काम करूँ, मुझे लगता है कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ करते रहूँ। नींद मुझे रात को अपने टाइम पे आती है 10, 10:30, 11 बजे, उससे पहले नहीं आती। कभी तबीयत खराब है तब नींद आ जाए, अदरवाइज मेरे को कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ करते रहो। अब मैं सोच रही हूँ जो कपड़े मैंने रखे हैं उनको ना गाड़ी में लेके जाऊँ प्रेस करवाने के लिए, दूँ मम्मी के 7-8 सूट प्रेस कराऊँ तो 7-8 दिन निकल जाते हैं। तो मम्मी सुबह सुबह उठ के प्रेस करती हैं, फिर एक तो सुबह उठ के काम करेंगी सारा, फिर प्रेस करना भी सब वो। ठीक है अभी वट इंग्लिश यू डोंट नो इंग्लिश, पता नहीं इंस्टाग्राम पे लोग आपस में ही लड़ाई करेंगे, एक कमेंट कर देगा उसके बाद फिर दूसरा उसको रिप्लाई करेगा, फिर उसकी पूरी लूप बन जाती है कमेंट की। और जो मर्जी करा लो मैंने घूमना ऐसे होता है नीचे नंगे पैर, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरी दादी जी ऐसे मंजे पे बैठे रहते थे और मेरे जब पापा की डेथ हो गई थी, मैंने आपको ऐसे बहुत बताया तो मैं बहुत छोटी थी, आपको बताया तो बहुत बार है पर फिर भी जैसे जो चीज़ होती है ना वो आपको चीज़ उस टाइम पे वो याद दिलाती है। तो मैं मेरी दादी के साथ रहती थी, मुझे मेरी दादी चाहिए, मम्मी नानी के पास चले जाते थे डिपो पे थे ना, तो फिर मतलब हम स्कूल तो जाते नहीं थे तब, मैं जाती थी तो मैं छुट्टी होती थी मम्मी चले जाते थे, मम्मी का मन नहीं लगता था है ना, तो मेरे को मेरी दादी के साथ रहना होता था कि मैं उनके साथ रहूँगी। तो वो ऐसे ऐसे बैठते होते थे, वो चाय पीते होते थे, मैंने उनका टांगू पकड़ के पूरे हमने गाँव में घूमना। अभी अगर मेरे गाँव से कोई देख रहा है उनको पता होगा कि वो मुझे ना चीनी में मलाई डाल के देते थे, ऊपर जोगू अंकल होते थे आई थिंक उनकी मम्मी हमको मलाई डाल के देते थे। हमने पूरे वहाँ पे दादी के साथ घूमना, मेरी दादी के साथ मेरा इतना प्यार था कि जब उनकी डेथ हुई ना मतलब मुझे बहुत वो लग रहा था बहुत ज़्यादा। और वो पता मुझे कॉलेज में होती थी मैं तो मुझे दानू बोलते दानू छुट्टी कर ले तू है ना, तू ना जा हाड़े हाड़े तू ना जा ऐसे बोलते होते थे, तो मैंने ऐसे उनको खजाना कि दादी मुझे ली मैं तेरी एक टीचर से बात कर ली, मेरी मम्मी कह रही लड़की की पढ़ाई खराब हो रही है उसको जाना था, मेरी दादी को होता था नहीं दानू मेरे पास रहे ऐसे करते होते थे। तो ये आदत ना मुझे वहाँ से पड़ी हुई है, ऐसे बाहर बैठना हवा के उसके कोयल चहचहा रही है, चाय पीना, बाहर बैठ के कुछ खाना या गप्पे मारना, सब लोग आ जाते होते थे बीबी के पास बैठने के लिए, बीबी ने तब एसी नहीं होता था, एसी तो दूर की बात है, कूलर भी नहीं होता था तब तो है ना, तो हम ऐसे ही पूरा दिन निकालते थे, बिजली की बचत हो जाती है। देखो अभी टाइम कितना 1:30-1 बजे का है, बिल्कुल गर्मी नहीं लग रही, ठंडी हवा आ रही है, टीम भी तप नहीं रही है क्योंकि यहाँ पे जितना भी गर्म हो दोपहर को रात को ठंडा होता ही होता है, 12 महीने रात को आपका जो टेम्परेचर है वो डाउन हो जाता है, आप अगर बाहर फ्राटा लगा के सोते हो तब आपको ठंड लगेगी, आपको मोटा कंबल लेना पड़ता है ऊपर, बस जो गर्मी होती है यहाँ पे वो रात को दोपहर में होती है 1 से 5, 4-5 बजे तक। ये है मेरा लंच और ब्रेकफास्ट भी, नमकीन चावल, आम का अचार, थोड़ा सा दही। मम्मी का सूट मैंने धो के सुखा के हल्का सा तह लगा के वैसे इसमें हैंगर में टंगा दे, दुपट्टा प्लाजो कमीज़ और उसके साथ वाला ना बाद मिलता नहीं है क्योंकि दुपट्टा कहाँ हो गया, बस अभी थोड़े दिन की बात है मेरा सामान निकल जाएगा, फिर मम्मी के पूरे घर की सेटिंग बहुत अच्छे से हो जाएगी। मैंने ना इंस्टाग्राम पे एक रील बनाई, वो नहीं है दिल मोलिया इन्होंने 10 की, मैं तेरी पक्की पक्की मशूक है, मुझे ना पंजाबी उतनी अच्छे से नहीं आती, पंजाबी हमारी जो लैंग्वेज है हम वो बोलते हैं ठीक है यहाँ पे। फिर मैं गई चंडीगढ़, वहाँ पे पंजाबी बोलते थे कुछ हिंदी बोलते थे, फिर इसके बाद मेरी शादी के बाद मैं चली गई शादी से पहले सोलन में, फिर वहाँ पे एक टोन होती है पहाड़ी वाली, एक्चुअल पहाड़ी वाली टोन है ना, वैसे ना आप हिमाचल के जहाँ जहाँ भी जाओगे ना आपको थोड़ी सी जो टोन है ना वो हर स्टेट में थोड़ी डिफरेंट डिफरेंट मिलेगी, थोड़ा सा फ़र्क होता है ना। तो उसके बाद फिर मैं चली गई शादी के बाद कानपुर में, तो मेरी भाषा पूरी चेंज हो गई, जैसे कहाँ पे रखा है सामान, बगल में पड़ा है एक मतलब वो कानपुर में बहुत टाइम रही मैं, तो मेरी बहुत सारी जो भाषा है वो कानपुर जैसी हो गई। अब मैं जब पंजाबी बोलती हूँ तो पता नहीं मैं क्या बोलती हूँ, जो पंजाबी एक्चुअल में बोलते हैं मेरे को हंसते होंगे क्या बोल दिया लड़की, वो उस पर मैंने अपनी एक रील बनाई। उसके बाद अभी मैं बैठी हूँ 1.5-2 घंटे से आप लोगों के कमेंट्स में रीड कर रही हूँ, उसमें एक जो कमेंट है जिसको मैं डिस्कस करना चाहती हूँ। सब जब मैंने सूट लिए तो कुछ लोग बोल रहे थे पिंक वाला सूट बहुत ओल्ड फैशन है, तो यार मेरे को नहीं पता ओल्ड है कि कैसा है, बट मैंने कोहिनूर से लिया चंडीगढ़ सेक्टर 17 जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है, और मेरे एक सब्सक्राइबर है उन्होंने मुझे वो चीज़ रेकमेंड करी थी कि वहाँ पे बहुत स्टाइलिश सूट्स मिलते हैं और उनके पास इतनी अच्छी अच्छी कलेक्शन है, अगर इसकी शादी है ना
या कोई इंगेजमेंट है या कुछ भी, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, अगर पास में कुछ देख रहे हो वैसे तो हो सकता है लुधियाना, अमृतसर, पटियाला या कहीं भी अम्बाला में, कहीं भी आप दिल्ली में देख सकते हो, लेकिन जहाँ में मुझे पता है मैं आपको वो बताऊँगी। मुझे कोहिनूर का बहुत अच्छा लगा, कोहिनूर के बगल में दो तीन और शॉप्स हैं वहाँ से भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो मैंने वहाँ से लिया, तो जब मैंने वहाँ पहना और जिनको मैंने दिखाया सबको बहुत अच्छा लगा। मम्मी और भारत बोल रहे थे कि थोड़ा हैवी है, बहुत ज़्यादा हैवी लग रहा है। भारत बोल रहे इससे अच्छा तो दूसरा वाला पहन ले। तो फिर मैंने मलमल का जो सूट मंगाया था वो ख़राब हो गया था, उसके बदले में मैंने दूसरा सूट मंगवाया। वो वाला सूट मेरा बहुत अच्छा लगा सबको, लेकिन जब मैंने पहना ना तो मुझे उतना समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि हर चीज़ होच पोच हो रही थी। फिर जब मैं पहन के गई एंड मैंने व्लॉग में देखा, लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि तुम्हारा मलमल यू हैव ए वेरी क्लासी चॉइस, बहुत सिंपल सोबर सा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा। आपने क्यों चेंज किया, आपने मैजेंटा क्यों पहना, कि वहाँ पर सब लोग बिल्कुल अच्छे देख रहे सर, तूने चेंज नहीं करना, तूने चेंज नहीं करना, है ना। और मामा जी की लड़की थी वंशिक, दीदी आप चेंज कर लो ना, सब लोगों ने डाक डाक पहना, आपको अच्छा लगेगा। तो फिर मैंने चेंज कर लिया और वो पहना हुआ लग भी बहुत अच्छा लाया था। बट वही ना, जो मेरी चॉइस थी, भारत की चॉइस थी, और लाइट शेड वाला मलमल वाला, वो ज़्यादा बेटर लगा जो मेजोरिटी लोग हैं उनको, रेदर देन मेजेंटा। बट मेजेंटा सूट ना रियल जब आप देखोगे बहुत अच्छा लगेगा, बट बहुत हैवी था, उसका प्लाजो का जिप ख़राब हो गया था, उसके जो मोती थे वो झड़ रहे थे हल्के हल्के। बट मैंने कहा चलो ठीक है, जो हुआ सो हुआ। तो इस इनका जो कमेंट्स था, जो ओपिनियन थी लोगों की, उसको मैंने सोचा व्लॉग को एंड करने से पहले मुझे डिस्कस करना चाहिए। दूसरी चीज़ कि हम लोगों की जो शिफ्टिंग का टाइम है वो हम लोगों ने थोड़ा बढ़ाया, इसलिए क्योंकि घर में फंक्शन था एंड दो तीन चीज़ें बीच में और थी। अभी हम बहुत जल्दी से यहाँ से लेके सामान उठा के चले जाएंगे। तो हमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो फ्रिज, एसी, आरओ, वाटर प्योरीफायर और बेड एंड एक गद्दा। और पता नहीं अब हमने 2 BHK लेना है या 3 BHK लेना है, प्लस जो एक कॉर्नर वाला रूम होता है वो लेना है, देखो कैसे क्या बनता है, तो वो करना है। तो मैं ना अभी अगर आज गई मार्केट में तो मैं एसी देख के आऊँगी इधर से ही, हम क्योंकि सारा सामान मर है हमारा यहाँ से शिफ्ट होगा, सभी सामान इकट्ठा हो गया, अंदर जो पड़ा है जो बाहर पड़ा है। तो फिर मैं यहीं से सोच रही हूँ एसी ले लूँ, आरओ ले लूँ, फिर यहीं से हम लोग ले जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे ये सामान जाएगा, फिर मैं उसको अनपैक करूँगी, फिर मैं फिर वहाँ पे जाके एसी खरीदूँगी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, एसी के बिना रहा नहीं जाएगा। एसी आरओ बहुत ज़रूरी है, फ्रिज के बिना एक दो दिन रह सकते हैं बट आरओ और एसी तो बहुत ज़रूरी है। तो मुझे ये सारा काम इसके बाद करना है, ये मेरी बहुत बड़ी सिर की टेंशन है जो कि मुझे ख़त्म करनी है। प्लीज़ यार मुझे आइडिया देना, विंडो एसी लेना चाहिए या स्प्लिट एसी लेना चाहिए। सब लोग वैसे लाइक मेरी मम्मी, एक हम ससुराल गई थी ना कल शाम को, तो नीलम आंटी, सब चाची, राधा भाभी, मम्मी, हम सब लोग नीचे बैठे हुए थे। तो नीलम आंटी बोल रही थी कि ना स्प्लिट एसी ले, स्प्लिट एसी ना जितने भी घर हमने रेंट पे देखे थे ना, तो सब लोगों का ना मेन इशू रहता है कि विंडो एसी में कटवानी पड़ती है विंडो, तो वो लोग अपने घर को कटवाना नहीं चाहते। तो फिर स्प्लिट एसी का ही होता है कि वो एडजस्ट हो जाता है और हर जगह स्प्लिट एसी का प्रोविज़न होता है। बाकी स्प्लिट एसी महंगा है एंड विंडो एसी थोड़ा सस्ता है। और जो हम कंपनी हमें जो अच्छी लगती है एसी में वो है ब्लू स्टार, हमारे पास पहले भी ब्लू स्टार का था, ये जो हमारे इधर मम्मी के यहाँ पे लगा ये भी ब्लू स्टार का है, और जो स्प्लिट एसी लगा है वो वोल्टास का है। तो हमारा मन ब्लू स्टार का एसी लेने का ही है, चाहे स्प्लिट हो चाहे कोई भी हो, क्योंकि हमारे मतलब अच्छा रहा ब्लू स्टार हमारे लिए। तो फिर स्प्लिट एसी महंगा है, विंडो एसी थोड़ा बजट में आ जाएगा, बट वो ये कि चीज़ अब एक बार लेनी है और परमानेंट वहीं पे रहेंगे हम। इस घर को तो मैंने प्रॉपर से मतलब वो वाला जो घर है रेंट वाला, यहाँ से हम लोग शिफ्ट होंगे रेंट वाला, तो वहाँ पे हम मतलब अपनी जो ज़िंदगी होती है ना, मेजोरिटी ऑफ लाइक जो डेज होते हैं आपके लाइफ के, तो हमने वहीं पे रहना है। इस व्लॉग को मैं करती हूँ इधर ही एंड आई होप कि आपको मेरा ये वाला व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। मेरी आवाज़ को पता नहीं कड़ा 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 हो गया। दैट्स इट फॉर टुडे। मैं थोड़ा सा यहाँ पे बैठ के मज़े से आप लोगों की और 2-4 कमेंट्स को करूँगी रीड एंड उसके बाद फिर मैं नहाऊँगी, एयर वॉश वगैरह करूँगी, फिर बाकी घर का जो काम है वो स्टार्ट करना है। आज मुझे कहीं नहीं जाना है, आज इधर बैठ के आराम से चिल करना है।